मेरा जब से जन्म हुआ है अब होश संभाले तब से हम यही सुन रहे हैं मंगलचंद चौक, इंदिरा गांधी चौक कहा जाता है पहले, हमेशा से मंगलचंद चौक के नाम से जाना जाता था। रीजन था कि सामने मंगलचंद जी का दुकान था, मंगलचंद का दुकान, लेकिन चौक का नाम इंदिरा गांधी चौक था। मेरे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये सरकारी जमीन था, इसमें इससे पहले यहाँ पे एक बेचारा वो चाय वाला पीछे था, वो दुकान करता था, उसको हटा के यहाँ पे ये बनाया गया। नमस्कार, मैं हूँ मुकेश सिंह और आप अभी देख रहे हैं न्यूज 19। अभी मैं बनमनखी में हूँ और बनमनखी क्यों आया हुआ हूँ तो ये थोड़ी देर में मैं आपको बता दूँ। जिस देश में चौक चौराहे और शहरों का नाम बदला गया हो, जिस देश के निर्माण में, एक नए भारत के निर्माण में कांग्रेस मुक्त का अभियान चलाया गया हो, तो फिर उस देश में पूर्णिया जिला कैसे अछूता रह सकता था। और उसी कड़ी में पूर्णिया जिले के बनमनखी में एक चौक है जिस चौक का नाम इंदिरा चौक, और आज उस चौक का नाम बदलकर मंगलचंद खेमका, जो पूर्णिया सदर के विधायक विजय खेमका के पिता थे, उनके नाम से चौक का नामकरण किया गया और चौक पर मूर्ति अनावरण किया गया। मूर्ति अनावरण में बिहार के डिप्टी सीएम माननीय तारकिशोर प्रसाद जी भी आए थे और उन्होंने अपने हाथों से प्रतिमा का अनावरण किया। मैं दिखाना चाहूँगा उस प्रतिमा को, मंगलचंद खेमका जी के प्रतिमा को, और आप पढ़ सकते हैं कि स्मारक है ये समाज से भी स्वर्गीय मंगलचंद खेमका जी। उनका जन्म 21/8/1934 ईस्वी को हुआ और 8/5/2017 को उनकी मृत्यु हुई, और आज इस चौक का नाम उनके नाम से मंगलचंद चौक रखा गया है। क्या ये इसे आप नए भारत का निर्माण कह सकते हैं? क्या आप इसे नए दिशा में बढ़ रहे हैं? आप भारत को कांग्रेस मुक्त की तरफ ले जा रहे हैं? इन सारे सवाल खोला बटन चालू है को जानने के लिए ही आज हम बनमनखी आए हुए हैं, और यहाँ हम कुछ स्थानीय लोगों से भी बात करके आपको बताएंगे कि आखिर ये मंगलचंद खेमका जी कौन थे और इनकी क्या प्रसिद्धि है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी आपको मिलवाता हूँ। डिप्टी सीएम साहब जो आए थे, तारकिशोर बाबू, आप लोग थे उस दिन यहाँ? आप लोग नहीं आए थे। ये इस चौक का क्या नाम है? ये मंगलचंद चौक आज है ये, इससे पहले क्या जान रहे थे आप? पहले कुछ नहीं। इसका उद्घाटन हुआ है 22 अगस्त 2021 को, इससे पहले इस चौक का क्या नाम था? मेरा जब से जन्म हुआ है अब होश संभाले तब से हम यही सुन रहे हैं मंगलचंद चौक। मंगलचंद तब से सुन रहे हैं आप? तब से सुन रहे हैं हम। यहाँ बहुत लोगों का उस समय चर्चा हो रही थी कि नहीं, ये मंगलचंद चौक नहीं है, ये इंदिरा चौक है, इंदिरा गांधी के नाम से चौक है। मंगलचंद चौक ये कहलाया है, और इंदिरा चौक जो है गांधी चौक पर नेहरू चौक, वहाँ बाजार पर नेहरू चौक, और यहाँ मंगलचंद चौक, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर यही दर्जी पट्टी में 10 नंबर वार्ड में। हाँ। चलिए, जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि महिला बता रही थी कि ये जब से हम यहाँ जन्म लिए हैं तब से इस चौक का नाम हम यही सुनते आ रहे हैं कि ये मंगल चौक है। इस वही हम जानना चाह रहे हैं, हम इसी बात को जानने के लिए आज हम बनमनखी आए हुए हैं कि इस चौक को कब से आप जान रहे हैं? मंगलचंद ना कोई चौक का नाम ही नहीं था, इस चौक का कोई नाम नहीं था। क्या आप लोग क्या जानते हैं इस चौक का किस नाम से जाना जाता था? इस चौक को मंगलचंद चौक हमेशा से मंगलचंद चौक के नाम से जाना जाता था। रीजन था कि सामने मंगलचंद जी का दुकान था, तो सामने दुकान थी, इसीलिए इस चौक को मंगल चौक से गांव गांव के दूर दूर के लोग भी इस जगह को मंगलचंद चौक के ही नाम से जाना जाता था। ये अलग बात है कि कागज़ पे क्या नाम था, शायद वो यहाँ पे
जितने भी लोग हैं किसी को नहीं पता होगा, लेकिन इस जगह को मंगलचंद के ही नाम से जाना जाता है। आधार कार्ड में मंगलचंद चौक के नाम से जाना जाता है। आधार कार्ड में भी हम लोग वही दिया मंगलचंद चौक। अच्छा, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये मंगलचंद चौक है, यहाँ पर जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है ये एक दुकानदार के नाम से अनावरण किया गया है, किसी महापुरुष के नाम से होता है अनावरण, या फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुकानदार ही है, बहुत बड़े समाज सेवी भी रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम लोग तो न्यू जनरेशन के आदमी, हम लोग को उतना नहीं पता है, लेकिन हम लोग का जो बाप दादा है तो बताते हैं कि उनका क्या योगदान रहा है उनकी के विकास में कह लीजिए या जो कह लीजिए। ऐसा नहीं कि वो दुकानदार है या उनका उनका जो बेटे हैं वो अभी पूर्णिया के विधायक है माननीय विजय खेमका जी, वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दुकानदार ही नहीं है सिर्फ, बहुत बड़े मतलब सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं। ठीक है, कि अभी पूरे देश में चौक चौराहे का नाम बदलने का अभियान चलाया गया है, अभियान चला है, और कांग्रेस मुक्त के लिए भी अभियान चला है कि कांग्रेस मुक्त भी होगा तभी भारत का नया निर्माण होगा, तो क्या उस तरफ बढ़ता ये कदम है क्या? नहीं, उस तरफ बढ़ता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो पुरखों का निशानी है, जो भी हम लोग का पुराना नाम था जो उसको बदल के बाद में जो जो भी शासन किए वो अपने अनुसार से नाम को बदले, अपने अनुसार बदले। ठीक है, हम लोग का जो भी पुरखों का था, ये मंगलचंद चौक आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चौक का कुछ नाम ही नहीं था पहले, हम लोग जब से पैदा हुए हैं उनके हम लोग जानते हैं मंगलचंद चौक ही है। देखिए, जोड़ी नहीं है, हर चौक का नाम जो है सिर्फ राजनेता के ही नाम पे, यदि एक आम आदमी के भी नाम पे हो रहा है तो इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। कोई भी चाहे दुकानदारी क्यों नहीं है, यदि वो अपने जीवन का 50 साल 60 साल सर्विस दे रहा है, चाहे यदि वो बिजनेसमैन ही है तो वो सेवा कर रहा है, कहीं कहीं एक सर्विस है, यदि उनके नाम पे चौक का ही नाम पड़ जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जहाँ तक रही बात की आप महापुरुष की, या और भी भोला पासवान शास्त्री जी हैं या और भी लोग हैं जैसे, ये तो एक बहुत ये बड़ी सवाल है कि पूरे बनमनखी विधानसभा आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र मतलब कि दलित पिछड़ा वर्ग के लिए क्षेत्र आरक्षित हो गया, आरक्षित हो गया, तो और तीन बार यहां से मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री, उनकी एक भी प्रतिमा पूरे बनमन की विधानसभा में नहीं है, तो ये एक सोचनीय सवाल है। ठीक है, इस पे होना चाहिए था, और इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी एक कमी माना जाएगा। चाचा, इस चौक को आप किस चौक के नाम से जानते थे अपनी जवानी से अभी तक? यहाँ तो सब नवयुवक हैं, ये लोग 90 के दशक के युवक हैं। ये चौक पहले इंदिरा गांधी चौक कहा जाता था पहले, उसके बाद जो है लोग ऐसे दर्जी पट्टी जैसे लिखने लगे, लेकिन चौक का नाम इंदिरा गांधी चौक था। कुछ युवक कह रहा है कि हम लोग आधार कार्ड में भी मंगल चौक के नाम से लिखते हैं, लिखवाए हैं। हाँ, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का जब युवा अवस्था में थे, हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय की बात, तो इस पर लिखा हुआ है समाज सेवी स्वर्गीय मंगल चंद खेमका जी, इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ और सामने लिखा हुआ है समाज सेवी, तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि इनके समाज में समाज सेवा का क्या इनका योगदान रहा है, इन्होंने समाज में कौन कौन से ऐसे कार्य किए थे इसमें, इसके लिए इनको याद किया जाएगा, इस बारे में हम नहीं बता सकते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में ये रहते थे, ठीक है, उसके लिए ढेर सारे आदमी हैं जो समाज के हैं। हाँ, तो मांगते चलिए, हम तो अभी पंचायत चुनाव सामने है तो बहुत सारे समाज से भी ऐसे भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इस बारे में हम नहीं बता सकते। मैं जिस समय प्रतिमा का अनावरण हो रहा था उस समय कई सारी खबरें निकल के आ रही थी कि ये इंदिरा चौक है, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम को हटा के फिर एक दुकानदार के नाम से उस चौक का नामकरण किया जा रहा है, ये सारी बातें यही कि स्थानीय लोगों से आपत्ति हो रही थी। नहीं करे, बच्चा सियान सब जानता है मंगलचंद चौक, मंगलचंद की दुकान, इसलिए अभी मैंने विधायक जी अपना ही करा लिए तो लगती है। नए भारत में, जिस भारत में सैकड़ों चौक का नाम, सैकड़ों शहरों का नाम बदला गया है जी, उस नए भारत के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बदलकर एक समाज सेवी का नाम, जबकि बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं अपने देश में और अपने बनमनखी क्षेत्र में भी
ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम यहाँ होना चाहिए था, उनके नाम से चौक अगर नामकरण ही करना था तो होना चाहिए था। तो आप इस बात को लेके कितने खुश हैं कि आपके चौक का नया नामकरण हुआ है? इस चीज से तो हम खुश नहीं हैं कि अगर नया नाम रखा जाए इसका, अगर किसी मुख्यमंत्री के नाम से था, प्रधानमंत्री के नाम से, वो चीज़ ठीक था। अगर मानिए ये समाज सेवी होते तो अपने ज़मीनें बना लेते, सरकारी ज़मीन है सबसे पहली बात तो, इनकी ज़मीन सामने तो ज़मीन अपने इस्तेमाल बना लेते जैसा। इनसे तो हम लोग दुकान वाले को भी दिक्कत है, दुकान दूर से नज़र नहीं आता, वो सारी बात है। तो ये चौक ये सरकार की ज़मीन है? हाँ, ये सरकारी सरकार की ज़मीन है। तो ये तो नगर परिषद भी अब हो गया? हाँ, नगर परिषद, नगर परिषद भी हो गया। मार्केटिंग बोर्ड की ज़मीन है तो उस ज़मीन में, खैर वो तो विभागीय प्रक्रिया है, वो हाँ क्या तो होना है नहीं होना है। इससे आप लोग कितने खुश हैं? हम अपने हम सब के बारे में तो नहीं कह सकते, हम अपने बारे में कह सकते, हम खुश नहीं इस चीज़ से। जो बात है क्लियर, क्या यहाँ क्या होना चाहिए था आपके अनुसार, यहाँ क्या होना चाहिए था? मेरे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये सरकारी ज़मीन था, इसमें इससे पहले यहाँ पे एक बेचारा वो चाय वाला पीछे था, वो दुकान करता था, उसको हटा के यहाँ पे ये बनाया गया, चाय की दुकान थी। हाँ, चाय की दुकान। अभी वो दुकानदार कहाँ है? वो दुकानदार बेचारा ऐसे ही घूमता इधर उधर, कहीं मजदूरी कर लेता। अभी कहीं दुकान उकान नहीं लगाया है वो चाय दुकानदार? क्या नाम है वो चाय दुकानदार का? उसके बाप को, उसके पापा का नाम था इंदर। इंदर? हाँ, इंदर मंडल था नाम, इंदर मंडल। वो पापा अपने, उनको लड़का नहीं हुआ था, तो वो किसी भेगना को फूफा को ला के यहाँ बसाए हुए, तो वही लड़का पीरा बहुत मले मर गए थे 5-7 साल पहले, उन्हीं की जगह वो चाय का दुकान करता था, कभी कभार खुलता था, तो उसको हटा के ये बनाया गया। बेचारा वो वैसे ही घूमता है, 50-100-200 जो कमा ले दिन में। जिस वक्त स्मारक का निर्माण किया जा रहा था और प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा था, उस वक्त ऐसी चर्चाएँ बहुत ज़ोर से हो रही थी कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम का के चौक का नामकरण एक किराने दुकानदार के नाम से किया जाए, इस बात को लेकर लोगों में आपत्ति थी। अभी कुछ लोग सामने नहीं आना चाहते हैं, हो सकता है कोई ना कोई राजनीतिक सामाजिक बहुत तरह की बातें होती है, उस कारण से भी वो सामने नहीं आ रहे हों, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल उस वक्त तब और मजबूती से खड़ा हो जाता है, ये बनमनखी प्रखंड है और ये बनमनखी अनुमंडल भी है, और इस बनमनखी अनुमंडल के साथ साथ ये बनमनखी विधानसभा भी है। और मैं आपको बता दूं, ये बनमनखी विधानसभा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, और इस आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे भोला पासवान शास्त्री जी, जो एक दलित समाज से थे, उनकी एक भी प्रतिमा पूरे आरक्षित सीट विधानसभा बनमनखी में कहीं भी नहीं है। अगर नामकरण करना ही था तो फिर इस आरक्षित क्षेत्र में भोला पासवान शास्त्री जैसे दलित के उत्थान के लिए, जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री, जिन दलितों ने उन्हें बनाया, फिर उनके नाम की प्रतिमा का अनावरण क्यों नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये खास करके उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है जो आज नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं कि मैं नए भारत का निर्माण कर रहा हूं और भारत से कांग्रेस मुक्त कर रहा हूं। क्या ये कांग्रेस मुक्त की तरफ बढ़ता कदम है भाजपा का? ये बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल को मैं आपके बीच छोड़े जाता हूँ। मेरे साथ हैं मेरे कैमरे के पीछे मृदुल जी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ।